हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, 7 फरवरी को भारत और विश्व में ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आपने और हमने बहुत सी ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, जो कि 7 फरवरी के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी 7 फरवरी के बारे में बात करेंगे कि आज के दिन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं। आज ही के दिन 2009 में प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र राज्यपाल एससी जमीर ने डीलिट्स की उपाधि से नवाजा था। वहीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश दवे की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्य संविधान पीठ ने राज्य में मुस्लिम समुदाय के 15 समूहों को दिया जा रहा 4% आरक्षण रद्द कर दिया। इसके बाद 2007 में जारी सरकारी आदेश को गलत ठहराया था। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हो गया है। 9 दिन तक चले इस पुस्तक मेले में लगभग 2000 प्रकाशकों ने भाग लिया था। वहीं 7 फरवरी 2003 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जया पियरे रेफ्रिन भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। आज ही के दिन 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। 7 फरवरी 1792 को ऑस्ट्रेलिया और क्रोशिया ने भारत के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। वहीं दोस्तों, 7 फरवरी 1831 में बेल्जियम में संविधान लागू हुआ था। 7 फरवरी 1856 में दोस्तों, आज ही के दिन नवाज अली की ओर से अवध राज के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलय किया गया था। आज ही के दिन यानी 7 फरवरी 1904 में अमेरिका के बाल्टीमोर में जबरदस्त आग लगने से 1500 इमारतें जलकर खाक हो गई थी। वहीं 7 फरवरी 1915 को चलती ट्रेन से पहली बार वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को मिला था। आज ही के दिन 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 7 फरवरी 1945 में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की थी। आज ही के दिन 1947 में अरब और यहूदियों को विभाजित करने के लिए ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया गया था। वहीं 7 फरवरी 1962 में जर्मनी की एक कोयला खदान में विस्फोट से 298 मजदूरों की मौत हुई थी। आज ही के दिन 1992 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी आईएस शालकी को नौसेना में शामिल किया गया था। 1993 में कादम्बरी श्रीकांत, जो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ। 1934 में सुजीत कुमार, जो भोजपुरी और हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1908 में मनमथन नाथ गुप्ता, जो एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक हैं, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ। 1898 में रमाबाई अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सालयान का निधन आज के दिन हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।